हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आशा करते हम सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो अभी टाइम हुआ है शाम के साथ और पूरा दिन घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा, और शाम के टाइम कुछ काम भी नहीं है, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर जाके घूम के आऊँ, बाहर मतलब कैंपस के अंदर ही। तो चलिए मैं तैयार हो गई और चलिए बाहर जाके थोड़ा घूम के आती हूँ। अभी 7 बज गए पर इतना अंधेरा नहीं है, हल्का फुल्का अंधेरा ही है। तो जैसे कि मैं अगरतला से हूँ तो हमारे यहाँ पे 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाती है, तो पर यहाँ 8:45 तक अंधेरा होती है। अभी देखिए 7 ही बजे हैं, अभी पूरा मतलब अंधेरा हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा और आगे निकलूँगी, मतलब थोड़ा सा और पहले निकलूँगी ताकि पूरा कैंपस आपको दिखा सकूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक दिन मैं दिन में निकल के पूरा कैंपस का वीडियो बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, पर हो ही नहीं पा रहा। चलिए कोई नहीं, निकलूँगी अभी। जैसे थोड़ा गर्मी कम होने लगेगी और थोड़ा थोड़ा हल्का सर्दी आने लगेगी तब निकल के पूरा वीडियो बनाऊँगी। दिन में मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ, निकलती नहीं हूँ। ये है रोड, ये पूरा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है ना, 2 ग्राउंड है। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर कम होने की वजह से तो फैमिलीज भी कम ही मतलब निकलते हैं, जितने हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा 4-5 बजे निकल के। ये देखिए ये है जनरेटर रूम, लाइट जबकि जाती नहीं है फिर भी इतना बड़ा जनरेटर रूम, ऑफिशियल काम के लिए जनरेटर रूम मतलब शायद इन्होंने बनाया है, पता नहीं इसका काम क्या है। तो अभी मैं ग्राउंड की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे अच्छा लगता है इतना, बहुत हवा है, खुला एरिया है। अभी भी 2-3 बच्चे हैं और अभी भी कुछ लेडीज़ टहल रहे हैं यहाँ पे। तो मंदिर में भी आरती हो रही है, इस टाइम मंदिर में आरती होती है। मंदिर में अभी इस टाइम सब लोग जेंट्स ही है, और जो लेडीज़ लोग होते हैं तो वो दिन में जाते हैं आरती वगैरह करने के लिए। तो मैं भी एक दिन दिन में जाऊंगी और जो आरती होती है तो उसका वीडियो बनाऊंगी। तो अभी देखिए 1-2 बच्चे हैं तो मैं भी उनके साथ थोड़ा खेलने लगी, मतलब बात करने लगी। ये है वॉलीबॉल ग्राउंड, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो छुट्टी के दिन ब्लॉग बनाऊंगी, तो छुट्टी के दिन बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, फैमिलीज़ भी होती हैं। अभी मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, उसके बाद आपको मंदिर के बाहर से थोड़ा मंदिर दिखाऊंगी, मंदिर भी अच्छा लगता है अंदर से। ये देखिए मंदिर के साथ में, मंदिर के एकदम साथ में ही हॉस्पिटल है। ये देखिए मंदिर, और मंदिर के अंदर अभी आरती हो रही है। मैंने साउंड म्यूट कर रखी है इसलिए आरती का आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं दे रहा। तो ये है मंदिर, और मंदिर के उस साइड में हॉस्पिटल है। लोग जा रहे हैं, अभी भी 7:30 हो गए, अभी भी देखिए कितना उजाला है यहाँ पर। ये हॉस्पिटल है देखिए, हॉस्पिटल का एरिया यहाँ से एकदम कम दिखता है, मतलब थोड़ा सा ही दिखता है, पर उस साइड से आप जाएंगे ना, जैसे मंदिर के पीछे होके जाएंगे तो हॉस्पिटल का एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हो गया मंदिर, चलो अभी हम घर चलते हैं, अभी अंधेरा हो गई है। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाऊँ इधर कैसा लगता है अकेले, मतलब कोई और साथ होता ना तो अच्छा लगता, अकेले अच्छा भी नहीं लगता। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं निकल गई। ग्राउंड बहुत बड़ा है, और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलने का कुछ है ही नहीं। ये देखो ग्राउंड, अभी कुछ दिन बाद अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, अभी बताऊँगी नहीं मैं, तो फिर उस दिन मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर उस वीडियो में आप सबको दिखाऊँगी। तब दिन में प्रोग्राम है और दिन में निकलूँगी तो तब अच्छा लगेगा, तब सभी लोग आएंगे, और जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादा फैमिली यहाँ पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं, बाहर भी क्वार्टर्स है तो बाहर वाले भी आएंगे अंदर, तब अच्छा होगा। चलिए अभी चलते हैं, और गर्मी लग रही है, घर भी चलना चाहिए क्योंकि जितनी रात होती है उतना मच्छर भी बढ़ता है। तो चलिए तब तक के लिए चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।